हेलो एवरीवन, आई एम जरक शाहजेब। तो फ्रेंड, आज हम कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नहीं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने प्लस पर क्लिक करनी है और जहां पर आप लोगों ने गैलरी से कोई भी पिक ऐड कर लेनी है। हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर मैंने ये वाली पिक ऐड कर दी। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या, पेंसिल में आना है। पेंसिल में आने के बाद आप लोगों ने टून इमेज पे कर देनी है क्लिक। टून इमेज पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेनी है। बाकी कंट्रास्ट को आप लोगों ने थोड़ा सा माइनस करना है। बाकी आप लोगों ने सैचुरेशन में आना है और इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। बाकी आप लोगों ने हाईलाइट में आना है, हाईलाइट को आप लोगों ने माइनस कर देना है और शेडो को आप लोगों ने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है। और यहाँ पर आप लोगों ने टिक पे क्लिक कर देनी है। फिर आप लोगों ने आ जाना है पेंसिल में। पेंसिल में आने के बाद आप लोगों ने सिंपली डिटेल्स वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा माइनस करना है और शार्पनिंग थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है और टेक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब आप लोगों ने करना है क्या, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने कर्व्स वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने करना है क्या, सिंपली रेड पे ही क्लिक रहने देनी है। ठीक है, रेड पे क्लिक रहने के बाद आप लोगों ने इसको यहाँ पर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस कर्व्स को यहाँ पे जिस जगह पर मैंने मार्क किया और टेक पे क्लिक कर देना है। फिर आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने व्यू एड्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। व्यू एड्स पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आ जाना है और आप लोगों ने इस वाले ऑप्शन में आना है और सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने इसको ऑन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हम आएँगे और यहाँ पर ज़ीरो इसकी वैल्यू रखनी। ठीक है, अब आप लोगों ने इसको थोड़ा सा जूम कर देना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसके फेस पर चला लेना। मैं जल्दी जल्दी में कर लूँगा। हाँ फ्रेंड, तो यहाँ से मैंने इसको कलर उतार दिया। ठीक है, यहाँ पे अब आप लोगों ने करना है क्या, सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोगों ने फिर पेंसिल में आ जाना है। पेंसिल में आने के बाद आप लोगों ने करना है क्या, सिंपली यहाँ पर आ जाना है सिलेक्टर वाले ऑप्शन में और यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली करना है कि यहाँ पर इसके फेस पर आप लोगों ने ये रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है और कंट्रास्ट को माइनस कर देना है और बाकी सिचुएशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है और स्ट्रक्चर को थोड़ा सा माइनस कर देना है। फिर प्लस पे क्लिक कर लेनी और यहाँ पर आप लोगों ने इसके ये जो बाजू रह गए, ठीक है, आप लोगों ने इस पर सिंपली कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना है कहाँ पर बाजू, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको कर देता हूँ। ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है, कंट्रास्ट को माइनस करना है और सैचुरेशन थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी है और स्ट्रक्चर को थोड़ा सा माइनस कर देना है। बाकी आप लोगों ने इसी तरह आप लोगों ने दूसरी जो बाजू है इसका आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देनी है और सेम सेटिंग आप लोगों ने अप्लाई भाई कर देनी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप लोगों ने करना क्या, सिंपली यहाँ पर फिर आ जाना है। फिर आने के बाद आप लोगों ने करना क्या, यहाँ पर आप लोगों ने ब्रश वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। अब आप लोगों ने कर देना है सैचुरेशन सेलेक्ट। ठीक है, सैचुरेशन सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने पेज को थोड़ा सा जूम करना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर इसको, अब यहाँ तक हमें ठीक लग रहा है तो आप लोगों ने करना क्या, यहाँ पर, यहाँ पे आपकी पिक रेडी है। ठीक है, अगर आप थोड़ी बहुत और चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं। आप लोगों ने फिर पेंसिल में आना है और विग्नेटी वाला ऑप्शन जो हमारा लास्ट स्टेप है ये है। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग इनर ब्राइटनेस यहाँ तक रखनी है और इनर ब्राइटनेस आप लोगों ने यहाँ तक रखनी है और जो आउटर ब्राइटनेस है ना इसको आप लोगों ने माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आपकी पिक रेडी है। अब आप लोगों ने करना क्या, सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है और इसको सिंपली फ्रेंड सेव कर देना। फ्रेंड, आज की मेरी बात यही थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।